बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चीन का एजेंट बताते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तात्कालिक वाणिज्य मंत्री रहे कमलनाथ उस वक्त चीन के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और चीन का आयात शुल्क कम करके उस राशि को राजीव गांधी फाउंडेशन में डाला गया था। चीन के मसले पर कांग्रेस तो मोदी सरकार को घेर ही रही थी, मगर कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा तो जेपी नड्डा से भी एक कदम आगे निकल गए। जी हाँ, प्रभात झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चीन कनेक्शन निकाला है। प्रभात झा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ चीन के एजेंट बनकर तात्कालिक वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। प्रभात झा ने कहा कि चीन के आयात शुल्क को कम करके उस राशि को राजीव गांधी फाउंडेशन में देने में अहम भूमिका कमलनाथ की थी, जो उस समय वाणिज्य मंत्री थे। ये नेशनल क्राइम है। कमलनाथ की चीन भक्ति भारत की राष्ट्रभक्ति के सामने घुटने टेकेगी। कमलनाथ जवाब दे, अन्यथा इसका खुलासा गांव गांव में किया जाएगा कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर, और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं तो ये गांव गांव और गली गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं, यही बात मुझे आपसे कहनी थी। तो वहीं प्रभात झा के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि कमलनाथ पर आरोप लगाना सूरज के ऊपर थूकने जैसा है। प्रभात झा एक बड़ा बेबुनियाद और बचकाना आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी चीन के एजेंट है। अब प्रभात झा की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं, पार्टी ने उनको राज्यसभा का दावेदार भी नहीं बनाया, उम्मीदवार भी नहीं बनाया और उनकी वजह दल बदल कर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया, जो उनके कट्टर विरोधी हैं। अब आज तक एक पार्षद का, सरपंच का चुनाव तो जीत नहीं पाए, अब 10 बार के चुनाव जीते हुए सांसद का चुनाव जीते कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यह तो वैसे हुआ जैसे सूरज के ऊपर थूकने के समान हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी का ये मुद्दा कमलनाथ के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि बीजेपी इसे लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी में है, क्योंकि भारत चीन सीमा का तनाव के मुद्दे पर जनता की नजर है। ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी और कमलनाथ की घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।